हाय गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि ये मैं पर्सनल यूज़ करने वाला हूँ और मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ही मैंने इसको परचेस किया हुआ है। तो इसका जो बेसिकली नाम है वो है ट्राया हेयर फॉल सॉल्यूशन, या फिर उसका आप मतलब बोल सकते हो दिस इज़ अ कंप्लीट हेयर सॉल्यूशन जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये मैंने क्यों परचेस किया हुआ है, इसका ओवरऑल प्रोसीजर कैसा था, मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है इसको मैंने ऑर्डर किया है तो उसका क्या ओवरऑल प्रोसीजर था, क्या क्या मुझे टेस्ट करने पड़े ये प्रोडक्ट को लेने के लिए, और उसका ओवरऑल डिलीवरी टाइम क्या था, इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो भी हम लोग अनबॉक्सिंग में देखने वाले हैं। एंड ओवरऑल मैं आपको मेरा जो मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जो मैंने इसको मतलब परचेस किया है वो मैं ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज, ये वीडियो जो है वो आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि अगर आप भी देख रहे हो ऐसे कोई सोल्यूशन के बारे में जहाँ पर आपको हेयर फॉल की मतलब प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कोई फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में हो तो आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों, ये प्रोडक्ट ट्राया, ये मुझे परचेस करने का जो रीज़न था, फर्स्ट जो पॉइंट है वो बेसिकली मतलब काफ़ी मतलब रिसेंट दिनों से या फिर कुछ मंथ से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम, मतलब आई कैन सी कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। ओके, अब आपको ऐसे देख के लगता होगा कि ये बंदे के तो बाल है अच्छे खासे लेकिन इसको कहाँ से हेयर फॉल हो रहा है, बट ओवरऑल मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है दैट माय हेयर्स आर फॉलिंग इन बिटवीन। ओके, और जो हेयर थिनिंग है वो मुझे लग रहा है कि मतलब पहले के मुकाबले एज द ईयर्स आर पासिंग तो मुझे जो हेयर थिनिंग है वो ज़्यादा लग रही है। ऑल्सो जो फ्रंट साइड में जो हेयर लाइन होती है वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि पीछे पीछे जा रही है। ऑफकोर्स वो एज के हिसाब से हमारी जो मतलब हेयर की जो टेक्सचर होती है या फिर हेयर लाइन है या फिर हेयर क्वालिटी है वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक फूड इज देयर, योर हेल्थ इज देयर, राइट, योर स्ट्रेस इज देयर। बट आई थॉट कि आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू टेक सम एक्शन ऑन दिस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लोग अभी केयर नहीं करेंगे तो आगे जाके उसको मतलब ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है या फिर और ज़्यादा मुझे एक्सपेंस भी मतलब उसके अंदर कॉस्टली भी मुझे वो जो भी थेरेपी है वो हो सकती है। तो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न कि मैंने ये बेसिकली इसका जो एड था वो मैंने इंस्टा के ऊपर देखा हुआ है। एंड वो चेक करने के बाद वॉट आई फाउंड इज़ दैट बेसिकली द प्रोडक्ट वॉट दे आर ऑफरिंग इज़ कम्प्लीटली लाइक यू नो ऑलमोस्ट 99% इट इज़ लाइक यू नो प्लांट बेस्ड, जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो प्लांट बेस्ड है। ओके, मतलब आयुर्वेदिक है, इसके अंदर ज़्यादा केमिकल कहीं पर भी यूज़ नहीं किया हुआ है। दैट इज़ द रीज़न आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। ओके, और उसका बेसिकली जो प्रोसेस था, आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, तो अभी मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आपको अगर प्रोडक्ट को परचेस करना है तो उनकी एक टेस्ट होती है हेयर टेस्ट, जहाँ पे आपको उनके वेबसाइट पे जाना है। चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाके एक बार वो चेक कर सकते हो, वहाँ से आप जो भी आपको टेस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो हेयर टेस्ट है वहाँ पे बेसिकली ट्राया के उस वेबसाइट पे आपको कुछ क्वेश्चनरीज मिलेंगे, जैसे कि आपका एज क्या है, आपको मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप प्रॉपरली मतलब सो रहे हो, आपको कितना स्ट्रेस है ओवरऑल, आप कितने एक्टिव होते हो, और अभी फ़िलहाल आप कौन से स्टेज में हो, जो आपका जो हेयर फॉल है उसके अलग अलग स्टेज उनके वेबसाइट पे दिए हैं, तो आप कौन से स्टेज पे हो वो आपको हॉनेस्टली और आपको काफ़ी सही तरीके से आपको वो जो भी मतलब आंसर्स है वो देने हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको ट्राया का जो प्रोडक्ट है वो आपको वो लोग डिलीवर करेंगे या फिर उसको आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जो भी उसके जो क्वेश्चनरीज है वो आपको प्रॉपरली देने हैं, और आपको आपके एक स्कैल्प का एक फ़ोटो भी है वो भी आपको अपलोड करना है ताकि वो चेक कर पाए, और वो होने के बाद आपको जो भी आपके पैटर्न के हिसाब से, जो भी आपका हेयर लॉस है, आपका जो भी स्टेज है उसके हिसाब से आपको ये जो किट है वो प्रिस्क्राइब वो लोग करेंगे। And then you can just, you know, go and buy that product on that, you know, you can check out that specific product. जो भी आपकी price होगी वो आप उसके pay करके ऑनलाइन जो भी है आप pay करके या फिर cash on delivery भी उनका option है, तो वो आप वैसा purchase कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मतलब ऑर्डर करने के बाद मुझे ये जो प्रोडक्ट है 4 दिन में आया है, दिस बिकॉज मैंने इसको 29 नवंबर को इसको मैंने ऑर्डर किया था, और 2 दिसंबर को यानी कि कल ही मुझे ये डिलीवर्ड हुआ है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस था जो था वो काफ़ी नॉर्मल था। और उसके अलावा भी मुझे एक चीज़ बताना है कि यहाँ पे आपको एक
इस जो भी किट होगा वन मंथ का ये प्लान है उसके अंदर आपको एक हेयर कोच भी असाइन किया जाएगा। तो जैसे कि जैसे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसके साथ ही आपको एक हेयर कोच जो है वो बेसिकली असाइन होता है, हु विल कनेक्ट विद यू एवरी वीक मे बी एंड दे विल यू नो हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि आपका जो प्रोग्रेस है विद दिस किट जो भी आपको उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा आपके व्हाट्सअप नंबर पे भी ट्राया का जो भी मतलब अपडेट्स है कि आपका जो डिलीवरी जो है वो बेसिकली अभी शिफ्ट हुई है या फिर अभी आउट फॉर डिलीवरी है या फिर आपका जो हेयर कोच है वो अभी असाइन हो चुका है, तो वैसे आपको टाइमली अपडेट्स भी उनके तरफ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इनका एक ट्राया का ऐप भी है जहाँ पे भी आप जैसे आप ऑर्डर करोगे तो ये जो ऐप है वो भी आप इंस्टॉल करके आपको जो आपकी डिलीवरी जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है जो भी मतलब इसके अंदर जो किट के अंदर जो भी मेडिसिन या जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या उन्होंने दिया है वो आप देख सकते हो। वहाँ पे हेयर कोच का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके भी आप उनके साथ चैट करके आपके कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे वो आप पूछ सकते हो, या फिर आप आपका जो अपॉइंटमेंट है विद द हेयर कोच वो भी बुक कर सकते हो ताकि उनके तरफ से आपको एक कॉल बैक आ जाएगा, जो हेयर कोच होगा उनसे आपको एक कॉल बैक आ जाएगा एज़ पर द टाइम स्लॉट विच यू हैव मेंशन। ये एक चीज़ है। इसके अलावा ऐप के अंदर ही आप आपके जो स्कैल्प के जो फोटोज़ है वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल फोटोज़ अपलोड करने हैं तो वो भी आप बाद में कर सकते हो ताकि आपके पास एक ट्रैक रहे कि आपका जो मतलब हेयर ग्रोथ है या फिर हेयर फॉल है वो कंट्रोल में हुआ है या नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल इसके ओवरऑल प्रोसेस के बारे में कि इसका डिलीवरी से लेके मतलब इनके एप्लीकेशन तक मैंने आपको जो बताया जो मैंने खुद बेसिकली यूज़ किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपको अभी फ़िलहाल शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस इसके अलावा अभी ये प्रोडक्ट जो मुझे मिला है आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ अभी बेसिकली मुझे इन्होंने क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है एज़ पर माय स्टेज। तो बेसिकली मेरा जो स्टेज था वो मैंने सिलेक्ट किया था एज़ पर द क्वेश्चनरी स्टेज वन। बस आप देख सकते हो मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब हेयरफॉल तो हो रहा है बट उसका अभी साइड इफेक्ट इतना नहीं है कि कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि कहीं पर हेयर बहुत ज़्यादा गए हैं या फिर स्टार्ट हुआ है पैच दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। बट यस जो हेयर लाइन है आगे से वो थोड़ा पीछे जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे चाहिए था कि ऐसा कोई मतलब सॉल्यूशन या फिर ऐसा कोई एक प्रोडक्ट बेसिकली जहाँ पे मेरे जो अभी एग्जिस्टिंग बाल है वो मैं मेंटेन कर सकूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ विल लव टू यू नो प्रिजर्व देयर हेयर, मतलब उनके जो बालों की ऑब्वियसली सबको पड़ी होती राइट। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आगे जाके तो वो एनीवेज झड़ने वाले हैं बाल सबके झड़ते, बट अगर हम लोग उसको कम कर सकते हैं, अगर ये जो प्रोसेस है उसको अगर हम लोग कम कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा उसको अच्छे से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं देन वाई नॉट। ओके सो मैं अभी आपको बेसिकली इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली ये किट के अंदर क्या क्या मतलब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्राया का ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके बैक साइड में यहाँ पे जो भी मुझे प्रोडक्ट्स दिए हैं उसका ये प्रिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है स्कैल्प ऑयल है, रिकैप सीरम और हेयर रास करके ये तीन प्रोडक्ट्स उनके आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो ये एक है हेयर रास, ये बेसिकली आप देख सकते हो ये डेली नेचुरल हेयर नरिशमेंट के लिए ये टैबलेट्स है, ये ट्राया से आया हुआ है। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे रिकैप सीरम आपको यहाँ पे मिल जाता है जो मुझे मतलब बेसिकली उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे उन्होंने एक स्कैल्प ऑयल भी मुझे प्रिस्क्राइब किया है और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है ग्रोथ थेरेपी बूस्टर ऑयल, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ओवरऑल मतलब तीन प्रोडक्ट या फिर आप चार इसको पकड़ के बोल सकते हो, तो ये मुझे प्रिस्क्राइब किए हैं। अभी ये जो मुझे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब हुए हैं वो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन माय स्टेज एंड माय कंडीशन, जहाँ पे मे बी मुझे डैंड्रफ नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट में कहीं पे भी डैंड्रफ रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे अगर मतलब ड्यूरिंग द टेस्ट अगर मैं वहाँ पे मेंशन करता कि मुझे डैंड्रफ भी है ओके माइल्ड या फिर थोड़ा हैवी डैंड्रफ है, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती है या फिर मेरा नींद में प्रॉब्लम है या फिर आई हैव सम इश्यूज़ लाइक डाइजेशन इश्यूज़ या फिर एसिडिटी, तो उसके हिसाब से ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड हो जाते ओके। बट जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें जो भी आपको है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, जो भी आप टेस्ट करोगे या फिर टेस्ट करोगे आपके हेयर का जो भी है उसके अंदर जो क्वेश्चनरीज है उसको आपको सही एंड हॉनेस्ट जो भी आंसर है वो आपको देना है ताकि
जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको प्रॉपरली उनके तरफ से आपको मिले, और आपका जो ट्रीटमेंट है या फिर हेयर फॉल का जो ऑब्वियसली जो रीज़न है जिसके लिए आप ये परचेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो आपको प्रॉपर बेनिफिट दे। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मुझे यहाँ पे फिलहाल इतने ही प्रोडक्ट्स मिले हैं एंड एज दिस इज स्टेज वन। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये जो ट्राया का ग्रोथ थेरेपी बूस्टर ऑयल है ये मुझे इस स्कैल्प ऑयल के अंदर पूरा मिक्स करके मुझे यूज़ करना है। तो गाइस प्रिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, ये बेसिकली जो ऑयल है स्कैल्प ऑयल और जो ग्रोथ थेरेपी ये मिक्स करके यहाँ पे ट्वाइस अ वीक उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जो ये रिकैप सीरम है वो बेसिकली एवरी नाइट यूज़ करने के लिए उन्होंने बताया 1 ml, और जो हेयर रास ये जो टैबलेट्स है वो बेसिकली टू टैबलेट्स ओके एवरी डे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। सो गाइज ये जो हेयर रास जो टैबलेट्स है इसके अंदर जो भी कंपोजिशन है वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है। इसमें जो भी डिटेल्स है वो आप उनके वेबसाइट पे भी देख सकते हो, अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने के लिए क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशन में है तो वो देख सकते हो आप। इवन इसके अंदर जो इसका जो रिकैप सीरम है इसके अंदर भी जो भी कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स है वो भी काफ़ी प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, और जो स्कैल्प ऑयल है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो इसके अंदर भी जितने भी कोकोनट ऑयल है कापूर है ये सब जो चीज़ें होती है वही इसके अंदर जो इसके कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स है वो सब दिए हुए। सो दिस वाज द रीज़न बेसिकली गाइस कि मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और एज़ पर द स्टेज जो मुझे ये प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस या फिर जो कॉस्ट था वो था 2,200 rupees ओके इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस, मतलब डिलीवरी चार्जेस और जो भी था। तो डिलीवरी चार्जेस उसमें नहीं थे बट जो ओवरऑल जो था कॉस्ट वो मुझे 2,200 rupees का यहाँ पे ये जो किट है वो पड़ा है, और ये 1 month का किट है तो इसके अंदर 120 टैबलेट्स है जो कि मतलब दिन में मुझे 4 टैबलेट्स लेने हैं तो 30 डेज के हिसाब से ये है। ये भी जो रिकैप सीरम है वो 30 ml का है तो ये दिन में 1 ml यूज़ करना है, सो इट इज़ ऑल्सो 30 days का ओवरऑल यू नो कोर्स, एंड द स्कैल्प इज समथिंग मतलब मेरे ऊपर है कितना यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल गाइज अभी फिलहाल आई एम स्टार्टिंग दिस यू नो जर्नी विद ट्राया, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस आफ्टर अ मंथ विद यू ऑल गाइज कि ओवरऑल मुझे इसके अंदर कितना बेनिफिट हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स। तो ये डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगा। एज अ कंज्यूमर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शेयर द डिटेल्स विद यू गाइज ऑन दिस चैनल कंज्यूमर जिला। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस यू कैन प्लीज कमेंट एंड आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसका जो रिव्यू वीडियो डालने वाला हूँ आफ्टर अ मंथ और मे बी 15 और यू नो 30 डेज तो इस ट्राया का जो रिव्यू वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज यू विल मिस द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।